बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, भारत में कोरोना वायरस की दस्तक। चीन में जिस कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है, वहीं भारत में चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना वायरस का एक मरीज भर्ती हुआ है, कोरोना वायरस के शक पर भर्ती हुआ। दरअसल शक जताया जा रहा था कोरोना वायरस होने का, जिसके बाद मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन पहले चीन से लौटा था ये शख्स, मोहाली का रहने वाला है मरीज, जिसे चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। मरीज के सैंपल टेस्ट पुणे भेजे गए और फिलहाल मामले में रिपोर्ट का इंतजार है कि जो पुणे में सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन में जिस कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है, भारत में भी उस कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना वायरस का एक मरीज भर्ती हुआ है, कुछ ही दिन पहले वो चीन से लौटा था। ये मरीज आपको बता दें कि मोहाली का रहने वाला है। कविता सैनी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। कविता, चंडीगढ़ पीजीआई में एक मामला सामने आया है जहां पर शक जताया जा रहा है कि इस मरीज को कोरोना वायरस हो सकता है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मरीज कुछ दिन पहले ही चीन गया था और उसके बाद जो कोरोना वायरस के जितने भी लक्षण है उसमें पाए गए, तो उसके बाद अभी भी शक के आधार पर जो है वो पीजीआई की तरफ से रिपोर्ट जो है वो अभी पुणे भेजी गई है और पुणे की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उस व्यक्ति को जो है वायरस है या नहीं है। और ये 28 साल का युवक है, हाल ही में चीन से लौटा था और सुबह 10 से 11 बजे के बीच में ये मरीज के घर वालों को ही आइसोलेटेड किया गया। हालांकि पीजीआई के अधिकारी इस बात को ये कहते हुए टाल रहे हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और ये पंजाब का मामला है, जिसे पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट ही आइसोलेटेड करेगा। बेशक हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो 2 दिन पहले ही इस बारे में एडवाइजरी जारी कर चुका है कि संदिग्ध मरीजों की जानकारी तुरंत डिपार्टमेंट को दी जाए, लेकिन पीजीआई ने अभी तक इस बारे में जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं दी है और उन्होंने इस बारे में जानकारी जो है अभी नहीं दी है। मरीज का जो सैंपल लेकर नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे भेज दिया गया है और वहीं सूत्रों के अनुसार मोहाली के इस मरीज के बारे में अभी कोई भी जानकारी ना देने के लिए स्टाफ मेंबर को सख्त हिदायत भी दी गई है। नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल अटेंडेंट्स को भी ये निर्देश दिए गए हैं और इस वायरस को देखने के बाद ही चंडीगढ़ में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यूटी प्रशासन ने इस बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए खासतौर पर होटल संचालकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और जारी की गई एडवाइजरी में होटल संचालकों को चीन, थाईलैंड और जापान से आने वाले पर्यटकों को लेकर आगाह किया गया है। उन्होंने इन जगहों से आने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखने को कहा है। वहीं किसी भी पर्यटक का जन सामान्य से वायरस के लक्षण दिखने पर यूटी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को उसकी तत्काल सूचना देने के लिए भी कहा है। इससे बचाव के लिए जो सरकारी और निजी अस्पतालों को भी तैयार करने के जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ ही चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्री, खासकर चीन की फ्लाइट से आने वाले पर खास नजर रखने के लिए कहा गया है। और जो व्यक्ति कुछ दिन पहले ही चीन गया हो या वहां से आए हैं, व्यक्ति से संपर्क में हो, उस पर भी नजर रखने की है। कविता, शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।